बिना किसी गारंटी के 5 करोड़ रुपए का लोन, वो भी सिर्फ 59 मिनट में। यकीन मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये लोन आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि ये सरकारी लोन है और इसकी क्रेडिट गारंटी भी सरकार ही देती है। ये कौन सी स्कीम है और कितना लोन मिल सकता है, जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप बिजनेस और साथ ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिर्फ 59 मिनट्स में 5 करोड़ रुपए तक के लोन देने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म PSB Loans in 59 मिनट्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार की ये योजना पूरे भारत में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस योजना में लोन राशि कितनी होगी। Well, PSB लोन के तहत दी जाने वाली लोन राशि 10 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की होती है और इस पर ब्याज दर लगभग 8.50% होती है, इसके आसपास ही रहेगी। यानी कि यहाँ पर ब्याज दर भी ज्यादा नहीं है when compared to other loans। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गारंटी फ्री लोन होने के बावजूद ब्याज दर यहाँ पे थोड़े अफोर्डेबल हैं, यानी कि सामान्य है। इस लोन को प्राप्त करने के लिए कोई गारंटी यहाँ पर नहीं देनी होगी। अक्सर हमने सुना है जब भी हमको किसी तरह का बिजनेस शुरू करना होता है और इसके लिए हमें लोन्स या फिर पैसे चाहिए होते हैं, और जब भी हम लोन्स लेने जाते हैं तो अक्सर बैंक हमसे यही पूछते हैं कि कोई कोलैटरल दे दो या फिर कोई सिक्योरिटी दे दो। लेकिन ये PSB लोन्स इन जस्ट 59 मिनट्स, ये एक ऐसा स्कीम है जो सरकार लेकर आ रही है जहां पर आपको कोई भी गारंटी या फिर कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कमाल का स्कीम है सारे ही MSMEs और सारे ही स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। अब मन में सवाल ये आ सकता है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो वेब पोर्टल जो है ये सीधे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस योजना के लिए क्रेडिट फंड ट्रस्ट से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये लोन बिना किसी गारंटी के सीधे ही दिया जाता है, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, इस लोन की एक और खास बात है और वो ये है कि इस लोन के आवेदन करने के सिर्फ 59 मिनट्स के अंदर ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको मिल जाता है। तो ये हुई ना एकदम कमाल की बात। अब मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि इस लोन के लिए 21 से भी ज्यादा पोर्टल बैंक्स और साथ ही लोन इंस्टीट्यूशंस से MSME लोन का टाइप किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे टॉप बैंक्स हैं जो आपको ये लोन प्रदान करते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि जो कस्टमर्स हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और साथ ही उन्हें जो सिक्योरिटी है वो एकदम मिल जाए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी एकदम समय पे मिल जाए और वो समय पे अपना बिजनेस शुरू कर सके या फिर अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। तो इसलिए इस कारणवश इस लोन का क्विक डिसबर्सल भी हो जाता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि 1 घंटे में लोन अप्रूवल मिलने के बाद तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे 7 to 8 working days में एकदम आ जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन ले रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस स्कीम का। दोस्तों, बिना गारंटी वाले इस लोन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं जो आपको पूरी करनी होगी ताकि आपको ये लोन अमाउंट जल्दी से मिल जाए। अब जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऑलरेडी सेट किया जाता है और साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी हैं कुछ जो आपको देने पड़ते हैं। तो अब नज़र डालते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है और साथ ही कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको देने होंगे ताकि ये लोन आपको जल्दी से मिल जाए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। वेल, यहाँ पर अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको PSBLoansIn59Minutes.com की लॉगिन आईडी बनानी होगी। वहाँ पे वो ये लॉगिन आईडी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा GST जो है आपका IT compliant होना चाहिए, ये दूसरा एलिजिबिलिटी है। तीसरा, ये इसके साथ आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी देना होगा। इसके अलावा PSBLoansIn59Minutes.com से बिजनेस लोन देते वक्त
आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को भी जज किया जाएगा, वो भी देखा जाएगा, वो भी कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि हो गया आपका इनकम या फिर रेवेन्यू सोर्स क्या है, यानी कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपकी एक सैलरी आती हो और आगे चलकर आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो यहाँ पर ये आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखी जाएगी। या फिर इसके अलावा अगर आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं तो कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम्स हैं आपके, वो भी देखा जाएगा। तो इससे ये जज किया जाएगा कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है और ताकि आप अपने बैंक को रीपेमेंट जल्दी कर सके, वो भी वक्त पर। अब इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मौजूदा लोन सुविधाएं क्या है, ये भी चेक किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने अब तक कितने लोन्स ले रखे हैं, ये भी कंसिडर करते हैं वो लोग। और इसके साथ ही बैंक और लोन इंस्टीट्यूट्स द्वारा रखी गए जो भी ऐसे शर्तें हैं वो भी पूरे करने होंगे। जिस भी इंस्टीट्यूट से या जिस भी बैंक से आप ये लोन ले रहे हैं उनके शर्त आपको पूरे करने होंगे। तो आप थोड़ा नजर डालते हैं लोन से संबंधित कुछ ऐसे मुख्य जानकारी पर। तो सबसे पहला जानकारी आपको ये जानना होगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना भरना होगा। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको भरना पड़ेगा 8.50% का, वो भी सालाना, मतलब 1 ईयर में। दूसरा है लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट आपको एनीवेयर बिटवीन 10 लाख से 5 करोड़ तक मिल सकता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 59 मिनट्स में इन अप्रूवल मंजूरी भी मिल जाती है। तो अब हमने जान लिया है कि ये लोन जो है वो क्या होता है, किसके लिए बनाई गई है ये लोन, और साथ ही PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स लोन के तहत आपको कितने रकम की लोन मिल सकती है। और इसके साथ ही हमने ये जाना कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब देख लेते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जब भी हम कोई लोन लेने जाते हैं हमको डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। तो अब जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भरने पड़ सकते हैं जब भी आप ये PSB लोन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PSB लोन लेने के लिए यूं तो बहुत ही कम दस्तावेज की आवश्यकता होती है, फिर भी आपको कुछ दस्तावेजों को देनी होगी, जमा करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा एक एप्लीकेशन फॉर्म में, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और साथ ही अपना फोटोग्राफ वहाँ पे चिपका देना है। तो ये सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा आपको GST इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। अब GST इन्फॉर्मेशन जैसे कि GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना होगा, साथ ही GST यूजर नेम। अब तीसरा डॉक्यूमेंट है कि आपको इनकम टैक्स इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी, यानी कि आपको रिसेंट जो पास्ट 3 ईयर्स के ITR फाइलिंग है वो देना होगा और ये भी आपको XML फॉर्मेट में जमा करना होगा। और इसके अलावा आपको पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट को भी देना होगा, वो भी ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस पोर्टल में आप कम से कम 3 बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप इस पोर्टल पर दे सकते हैं। अब इसके अलावा आपको प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। और इसके अलावा आपको eKYC डॉक्यूमेंट्स भी भरना होगा। अगर हम KYC की बात करें, जैसे कि आपका आइडेंटिटी हो गया या फिर एज हो गया या फिर एड्रेस हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, एक्सेट्रा, जो भी ऐसे बेसिक KYC होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने होंगे। और आखिर में जो भी जिस बैंक से या फिर लोन इंस्टीट्यूट से आप ये लोन ले रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगती हैं अपने तरफ से, फर्स्ट उनसे क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके उन्हें दे सकते हैं। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होंगे। इसके अलावा जो बैंक्स आपको बोलते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो बस आप सिर्फ इन दस्तावेजों के साथ PSB लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये PSB लोन जो है बहुत ही अच्छी स्कीम नज़र आती है, जहाँ पर ये सरकार जो है इनके द्वारा सारे ही MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं हमारे भारत में, उन्हें प्रोत्साहन मिलती है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं आगे और भी एक्सपैंड करें, और इन रिटर्न जो है हमारे ही भारत में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जहाँ पर किसी को कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आज अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते या फिर एक्सपैंड नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि मुद्रा लोन भी है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया भी है, जिसके तहत आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इन रिटर्न आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और साथ ही बहुत वैल्यूबल। अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है और आपको नहीं पता कि कौन सा बिजनेस शुरू करना है और कैसे आप फंड्स जमा कर सकते हैं, बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको इन डिटेल जानना है,
तो उसके लिए आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं फीडमैप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हम आपको सारी जानकारी देते हैं, चाहे वो किसी भी लोन के बारे में ही क्यों ना हो। तो जल्दी से डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।